हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम ऑल एट इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ नरसिंह भदौरिया। तो जैसा कि पता है, आपका गेट एग्ज़ाम हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है गेट एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट भी आने वाला है और इवन आपकी आंसर की भी आ चुकी है, और हो सकता है कुछ दिन बाद जो आपकी कुछ क्वेश्चंस गलत हैं उनको आपने चैलेंज भी कर रखे हैं, वो अपडेट भी हो जाएँ। तो देखिए धन से, अब इसके बाद की जो जर्नी है, आपको सबको ही पता है कि कहीं ना कहीं हमें अब IITs में एडमिशन लेना है या फिर हमें PSUs में जाना है। अब उसके लिए हमें कहीं ना कहीं इंटरव्यू की फ़ाइट करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो पूरी टीम है, अपने अपने सब्जेक्ट्स, जो भी हर सब्जेक्ट का मास्टर है या हर सब्जेक्ट को डेप्थ में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, यानी जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे, कई बार आप जाते हैं IITs में एडमिशन के लिए, M.Tech के लिए, तो आपका कई बार रिटन टेस्ट भी होता है और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, देन जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सिमिलरली यही प्रोसीजर आपका किसका भी होता है। कहीं ना कहीं अगर आप बात करें PSUs का भी, जैसे आगे इसरो का एग्ज़ाम भी लगा है, BARC का भी है, तो आपका पहले एग्ज़ाम होगा, देन इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो इंटरव्यू के बेसिक्स क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल, जैसे कि आप गए और से पूछा था कि बताइए क्या होगा, और एक दूसरा पार्ट होता है न्यूमेरिकल भी। कई बार आप जाते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे मैं अपने नेटवर्क की बात करूँ, कोई सर्किट दे दिया, बोलेगा इसको सॉल्व करो, तो वो कौन सा सर्किट होगा या कौन से सर्किट्स पूछे गए हैं पुराने सालों में, तो हम लोग करेंगे क्या कि जो क्वेश्चंस पुराने सालों में पूछे गए हैं या जो इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं वो, और उसी के आसपास जो क्वेश्चन और बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा। सो देखिए ध्यान से, उसी सीरीज़ में हमारा जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके पास वो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच हो या फिर आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, तीनों ब्रांच के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम अपना जो भी क्वेश्चंस हैं, तो ये पूरी सीरीज़ है, अभी हम केवल 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, शुरुआत के ही टॉपिक्स हैं। इस तरह से ये सीरीज़ चलती रहेगी, तो आप फॉलो करते रहिएगा। तो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे आप इनको एक बार देखें, तो इन क्वेश्चंस का क्या जवाब देना है, क्या जवाब हो सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा कल। आज आपका 10 मार्च है, आज मनोज सर का है, आपको पता है, और इसके बाद कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो कुलदीप सर, देन उसके बाद हम आपको मिलेंगे 12 मार्च को। तो 12 मार्च को आपको ये हम डिस्कस करेंगे, इसकी जो टाइमिंग वगैरह आपको अपडेट हो जाएगी। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मतलब जैसे कि कई बार आप जाते हैं, आपसे पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, या जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डिवाइसेज, यस, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ऐसे कह लो आप, इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होते हैं, उनसे किस तरह से डिफरेंट है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, कई बार आपसे पूछता है कि बताइए आप एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या समझते हैं, तो ये मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप गए और आप बैठे, आपसे पूछ लिया तुरंत, तो इनके क्या पॉसिबल आंसर्स होंगे वो आपको डिस्कस करूंगा। जैसे आपसे पूछ लिया इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड, विच डायोड प्रेफर्ड फॉर स्विच, तो देखते हैं इसको कैसे हम मैनेज करते हैं, क्या बताते हैं, एक्सप्लेन रिवर्स रिकवरी टाइम, यस, कई बार आपसे बोलेगा रिवर्स रिकवरी टाइम, कई बार बोलेगा इसको आप पूरा अच्छे से बताइए, मतलब क्या पूरी कहानी है उसको बताइएगा, हाउ रिवर्स रिकवरी टाइम कैन बी रिड्यूस्ड, यस। इसके बाद देखिए ध्यान से, व्हाट इज द रिपल एंड रिपल फैक्टर, तो कई बार से पूछेगा रिपल और रिपल फैक्टर क्या होते हैं, तो कई बार आपने बता दिया थ्योरेटिकली, फिर आपसे कहता है इसको डराइव करके भी दिखाओ कि SWR का क्या होगा, FWR का क्या होगा, तो ये जो पूरी कहानी है इसमें हम आपको चर्चा करेंगे, ओके। तो आप लोग लाइव आइएगा, इसका जो टाइम शेड्यूल है आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ओके। एनीवे, इसके बाद देखिए ध्यान से, आपके पास क्या है, व्हाट इज़ PIB, कई बार आपसे PIB पूछता है, तो पहले आप उसको थ्योरेटिकली डिफाइन करिएगा, कई बार आपसे बोलता है कि बताइए अगर SWR हुआ या FWR हुआ या ब्रिज रेक्टिफायर हुआ, उस केस में आप इसको PIB को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो ये सारी कहानी आपसे पूछी जाएगी। तो इसको कैसे आंसर करना है और किस तरह से बताना है एग्जामिनर को, ताकि वो आपसे इंप्रेस हो पाए और आपका जो लास्ट स्टेज है जिसको हम इंटरव्यू कह रहे हैं वो आप क्रैक कर पाएँ और अपने आप सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है ना। तो क्योंकि आपने गेट क्रैक कर रखा है, आपका मार्क्स भी ऑलमोस्ट आपको पता चल गए हैं, बस एक फॉर्मेलिटीज़ बची है, केवल आपकी रैंक आनी है, तो आपको सब कुछ पता है, तो आप इस सीरीज़ में जुड़ जाइएगा और हम लोग को फॉलो करिएगा, एंड 100% आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सप्लेन ब्रेकडाउन वोल्टेज, देखिए ध्यान से, जैसे कि क्या बोलेगा कि बताइए ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज को कैसे डिफाइन करना है, क्या इसका मतलब है, कई बार आपसे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कोई एक टर्म उसने बोला, फिर आप क्या जवाब देते हो, कई बार ये भी डिपेंड करता है कि आप जैसे आपसे कुछ पूछा गया, फिर आपने कुछ जवाब दिया, तो जवाब देने के बाद ये डिसाइड होता है कि मतलब आपने क्या बोला, कई बार उसी से मतलब एक चेन में क्वेश्चन बनता चला जाता है। तो इस चीज़ को भी हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि किस तरह का आपको चीज़ों को डील करना है। तो ये मेरे पास अभी इतने ही क्वेश्चन है, मतलब इस पर्टिकुलर सेशन में, यस, और इन क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ो,
है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको पहले दे दिए गए हैं, इनका जो डिस्कशन है मैं आपको लाइव करूंगा, इसका आपको जो यू नो टाइम शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना, और आपके पास पहुंच जाएगा। आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, हमारी पूरी कोर टीम सारे लोग मिलकर जो भी मतलब पॉसिबिलिटीज है इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए, और हम लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वहाँ से क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट करके, जो उनके पास क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मंगा कर, जो उनसे पूछे गए, हम लोग पास खुद ही पहले से बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके और उसके आसपास की क्या और हो सकती है और जो हम लोग सोचते हैं कि क्या पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। अगर आप इस पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं तो 100% आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और डेफिनेटली आपका जो एम है आप अपने एम को जरूर अचीव कर पाएंगे। सो एक बार आप इसको ज्वाइन करिएगा। So thank you so much. Thank you. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.